हाँ बेसबॉल गेम। इसमें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें एक एरे दे रखा है, ठीक है। तो जैसे 5 आया तो तुम क्या करोगे, 5 को रिकॉर्ड में ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर 2 आया तो 2 को तुम रिकॉर्ड में ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर सी आया, सी का मतलब है कि जो तुम्हारे लास्ट एडेड था, जो लास्ट एडेड रिकॉर्ड है उसको तुम डिलीट मार दोगे। तो 2 था वो लास्ट एडेड रिकॉर्ड एडेड, ठीक है, तो उसको तुम डिलीट मार दोगे तो ये वापस बन जाएगा 5, ठीक है। फिर डी आया तो डी का मतलब है जो लास्ट एडेड रिकॉर्ड है उसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और उसको ऐड कर दोगे, ठीक है। तो वो कर दिया। फिर प्लस आया, प्लस का मतलब कि जो लास्ट 2 एडेड रिकॉर्ड्स हैं उनको तुम लोगे और ऐड करके पुश कर दोगे। फिर एंड में क्या करोगे, जो भी एरे बन गया उसको तुम सम करके रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो वही किया क्वेश्चन में, ठीक है। और बोल रखा है कि जैसे ही डी कॉल होगा तो मतलब एक ना एक तो रिकॉर्ड होगा ही, ठीक है। देयर विल बी ऑलवेज बी वन प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक है। और जब भी सी कॉल होगा तब भी होगा, और जब प्लस कॉल होगा तब एटलीस्ट 2 रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो वही क्या क्वेश्चन में, जैसे सी कॉल हुआ तो हमने क्या करा, पिछला वाला पॉप कर दिया, ठीक है। डी कॉल हुआ तो हमने क्या, पिछला वाला लिया और 2 से मल्टीप्लाई करके पुश कर दिया, ठीक है ना। और ये वेक्टर है इंट का, ठीक है ना। तो और जैसे प्लस कॉल हुआ तो हमने क्या करा, पिछले 2 लिए, दोनों को ऐड करके पुश कर दिया। और एल्स में हमने क्या किया, जो मतलब जो था उसको इंट में कन्वर्ट करके पुश कर दिया। जैसे 5 था तो 5 एक स्ट्रिंग थी तो स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करके पुश कर दिया। और एंड में क्या करा, हमने सबको ऐड कर दिया, ठीक है। ये फंक्शन सबको ऐड कर देता है, ठीक है। और इसमें इनिशियल सम 0 पास कर दिया मैंने, ठीक है, और वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।